जनाब ईद की अगर बात करें तो इस्लामाबाद में ईद भरपूर तरीके से मनाई जा रही है। मुख्तलिफ तफरी मकामात पर पार्क्स में दोस्तों के साथ गपशप और बारबेक्यू पार्टीज़ का सिलसिला जारी है। राव रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। राव रिजवान बताएगा, ईद के तीनों दिन तमाम तर मसरूफियात के बाद अब बारबेक्यू का वक्त है दोस्तों के साथ, क्या माहौल है? जाकर आज आखिरी रोज़ हर तरफ जो है जिधर भी आप जाएं, तफरी मकामात पे जाएं या किसी पार्क में जाएं तो हर कोई जो है बारबेक्यू करता हुआ नज़र आ रहा है अपनी फैमिली के साथ, दोस्त अहबाब के साथ। और आज आखिरी दिन को भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। कुछ हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, आप ये बताएं कि बारबेक्यू करें कौन कौन यहाँ पर मौजूद है, फैमिली को भी टाइम दिया कि दोस्तों के साथ आज कर रहे हैं? आज तो तीसरा रोज़ है और हम दोस्तों के साथ कर रहे हैं, फैमिली के साथ तो कल था और आज जो इंसानी हम दोस्तों के साथ कर रहे हैं क्योंकि आज वेदर बहुत अच्छा हो गया है, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा खुशगवार माहौल क्रिएट किया हुआ है और वेदर भी बहुत अच्छा हो चुका है। बारिशों ने बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट कर दिया एटमॉस्फेयर इस्लामाबाद का, तो बहुत अरसे बाद मिलने, ऑलमोस्ट 2 महीने बाद मैं वापस आया हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी बहुत अच्छा लग रहा है और हम भी ज़रा जायका चेक करते हैं कि कैसा टेस्टी जायका है और नहायत जो है मज़े के जो है बनाए जा रहे हैं इस समय जो है बारबेक्यू किया जा रहा है और दोस्त अहबाब के साथ बारबेक्यू खाने का तो मज़ा ही और है और पुरानी बातें करके और पुरानी जो है आपस में जो गपशप लगा के जो है जो और जो है ईद के दिन भी और साथ जो है इतना अच्छा मौका तो खुशी का दिल और बढ़ जाता है। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर, कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें, तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं, जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं, जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं, कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें, कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें, कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर ना डालें, जानवरों के फजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें, गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायात पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337-0310-377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतालिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।